वी कैन स्टार्ट अ सेशन अपने सेशन को स्टार्ट कर सकते हैं आई थिंक आपको मेरी आवाज़ क्लियरली आ रही होगी अगर कुछ भी ऑडियो अगर आपको क्लियर नहीं आ रही है तो मुझे बता सकते हैं बट आई थिंक माई ऑडियो शुड बी क्लियर राइट सो इन द प्रीवियस मंथ तो लास्ट मंथ था वहाँ पर हम लोग एलकॉर्थम्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे और हमने काफ़ी एलकॉर्थम्स से कवर किया है हम लोगों ने टाइम कॉम्प्लेक्स के बारे में डिस्कस किया था पार्ट ऑफ दिस हमने ग्रिडी एलगोर्थम्स के बारे में हमने डिस्कस किया था और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था दैट इज़ डायनमिक प्रोग्रामिंग और डायनमिक प्रोग्रामिंग में दो से तीन ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है जैसे लॉन्गेस्ट कॉमन सब्सिक्वेंस या फिर जीरो वन आप राइट या फिर आप चाहे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन्स मैट्रिक्स चेंज मल्टीप्लीकेशंस तो हम वहाँ से ऑलडी कवर कर चुके हैं और इस क्लास के अंदर इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे व्हाट डू मीन बाय फ्लॉयड वॉशर्स एल्गोरिथम्स जनरली हमने पहले ग्रीडी एल्गोरिथम में हमने सिंगल शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम हमने कवर किया था जिसको हमने एल्गोरिथम uh, में हमने कवर किया था राइट दो देयर टू टाइप ऑफ एल्गोरिथम्स वन इज नो शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम्स जिसमें सिंगल शॉर्ट पाथ के अंदर मैंने डाइक्सो एल्गोरिथम किया था साथ, -साथ में बेलमेंट प्रॉब्लम के बारे में हमने डिस्कस किया था राइट और इस सेशन में इस वीडियो के अंदर हम इसके अकॉर्डिंगली ही हम आगे कंटिन्यू करेंगे राइट सो मैं चाहता हूँ कि आपको जो मेरी आवाज़ है वो क्लियरली आए अगर आप क्लास में अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज वेरी एक्टिव आप काफ़ी एक्टिव होंगे सेशन में तभी मज़ा आएगा जब आप अपने क्वेश्चंस को मुझसे पूछेंगे और मैं आपको उसका आंसर दूंगा तो आज लगभग मैंने थ्री थ्री टू फोर क्लासेस हैं आज मेरी द फर्स्ट क्लास टूडे जो यूट्यूब पर मैं ले रहा हूँ देट इज़ फ्लॉयड वॉशर्स एल्गोथम्स जो मेरी क्लास मैंने स्टार्ट की करी है सेकेंड जो मेरी क्लास होगी दैट इज़ एट सिक्स फिफ्टीन पी एम जहाँ पर मैं थ्यूरी ऑफ कॉम्पिटिशन स्टार्टिंग से स्टार्ट करूँगा बेसिक्स है न स्टार्टिंग टू एंड हम लोग कोशिश करेंगे कि आगे आने वाले कुछ टेन टू फिफ्टीन डेज़ के अंदर हम टी ओ सी को हम कवर करेंगे स्टार्टिंग से एंड तक पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे तो आज जो मेरी क्लासेस हैं मैं आपको पहले से मेंशन कर देता हूँ राइट तो पहले अभी जो मेरी क्लास चल रही है दिस इज द फर्स्ट क्लास जो है दिस इज ऑन एल्गोरिथम्स इस समय पर हम एल्गोरिथम की क्लास कर रहे हैं और जो टॉपिक है हमारा विच इज फ्लोएड वॉर्शर्स एल्गोरिथम राइट हम इसको कवर कर रहे हैं और जो फ्लोइड वार्शर्स एल्गोरिथम इज अ एग्जाम्पल ऑफ डायनेमिक प्रोग्रामिंग ये डायमिक डायनेमिक प्रोग्रामिंग का पार्ट है सेकेंड जो हमारी क्लास रहेगी दैट इज एट सिक्स फिफ्टीन पी एम एक

तो हम उसको पूरा इंडेप्स उसको कवर करेंगे और जो सिक्स फिफ्टीन की क्लास है दिस इज ऑल्सो ऑन फ्लैट वॉशर्स तो वो वॉशर्स एल्गोथम के बारे में हम लोग कवर करेंगे राइट सो अगेन फॉर ऑल ऑफ़ यू क्लासेस जितनी ज़्यादा इंट्रैक्टिव होगी जितने आप मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे जितना आंसर देंगे तो उतना ही ज़्यादा आपको क्लास पर मज़ा आएगा ओके लेट मी सी द चैट ऑल्सो हेलो शिवम हेलो अनूप हवे यू हेलो उत्विक हवे यू यस आयुष ओके प्लीज स्टार्ट यस आई स्टार्ट वेरी सुन तो जल्द से पहले अगर आपको कुछ भी डाउट है कुछ मुझे पूछना चाहते हैं तो फील फ्री टू आस्क एनी यू दीज थिंग्स अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो उनसे पूछ सकते हैं ओके ओके और जो क्लास है दिस क्लास विल बी ऑलमोस्ट ऑफ फोर्टी फाइव मिनट्स टू वन आवर तो फोर्टी फाइव मिनट्स लेकर वन आवर की क्लास होगी और मज़ा भी रहेंगे बातें भी करेंगे और साथ साथ में क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम को समझेंगे राइट ये

आप इसको उसे पूछ सकते हैं राइट और अगर आप टू ईयर का सब्सक्रिप्शन टू ईयर का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो वहां से भी आप मेरा कूपन कोड कौशिक को आप ले सकते हैं ओके सेकेंडली अनअकेडमी में बहुत सारे बैचेस जो है वो स्टार्ट चल रहे हैं इस समय पर स्टार्ट हो चुके हैं जैसा द नेक्स्ट जो बैच हमारे पास करा है इवौल बैच। इवौल बैच उन बच्चों के लिए है जो गेट टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री की तैयारी कर रहे हैं और जो स्टार्ट हम जो सब्जेक्ट जो हम स्टार्ट कर रहे हैं द फर्स्ट सब्जेक्ट विल बी यू नो कंपाइलर डिज़ाइन फ्रॉम सुब्बा रेड्डी सर तो उनकी जो क्लास है दैट इज़ एट नाइन ए एम और ये क्लास जो है वो जो बैच है जो ट्वेंटी अप्रैल से स्टार्ट करेंगे ओके okay? सो so, बहुत सारे टीचर्स हैं सो यू कैन सी संचित सर सुबार रेड्डी सर गोथी सर राइट यू कैन श्वेता मैम हिमांशु सर वेंकट सर तो बहुत सारे टीचर्स हैं दिज आर स्टार्स राइट अनडमी पर सो ओबियसली अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो प्लीज़ इसको लीजिए ले लेने के लिए जस्ट यूज अपन कोड कौशिक टेन मेरा जो कुपन कोड है इसको यूज़ कर सकते हैं या फिर यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर विच इज़ एट फाइव एट फाइव एट फाइव एट फाइव एट फाइव राइट दिस इज नंबर अगर आप कुछ इंक्वायरी है तो आप उसे ले सकते हैं ओके okay? स्टार्ट so, करने से पहले चैट हेलो आयुष प्लीज स्टार्ट ये समय आपको कुछ भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग द गेट एग्जाम तो भी आप मुझे पूछो पूछ सकते हैं उसे कर सकते हैं ओके okay? ठीक है तो जनरली हमने दो तरह की प्रॉब्लम्स हमने दी थी राइट right? एक होता है आपके पास विच इज सिंगल सोर्स पाथ राइट सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट इसको बोलते हैं शॉर्टेस्ट पाथ ओके एंड द सेकेंड वन इज यू नो ऑल पेयर सोर्स

सेकेंडली जब मैं ऑल पेयर शॉर्टेज पाथ की बात करता हूँ तो यहाँ पर दिस इज द एग्जाम्पल विच इज़ यू नो दैट इज फ्लॉइड वॉशर्स एलगोर्थम दट दिस इज फ्लॉयड वॉशर्स एल्गोरिथम्स ठीक है अब ये जो सिंगल शॉ सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ जो हम लोग जनरली यूज करते हैं इसके लिए हम मेजरली हम ग्रीडी एल्गोरिथम को यूज़ करते हैं दिस इज ग्रीडी एल्गोरिथम्स

शॉर्टेस्ट पाथ दल्कोथम जो हम गिडी एल्कोर्थम में यूज़ करते हैं और ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ जो है दैट इज अ पार्ट ऑफ डायनेमिक फ्लाइड वाशर्स एल्थम इस पार्ट ऑफ डायनमिक प्रोग्रामिंग डायनमिक प्रोग्रामिंग में हम चल इसको यूज करते हैं ओके okay? अब जैसे कि मैंने अपनी क्लासेज में सबसे पहले डाइक्ट्रो अलगोर्थम बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया था अप आउट ऑफ दिस हम यहाँ से बलमेन पोर्ट को है ना बेलमेन फोर्ट अल्कोथम के बारे में भी हमने वहाँ से कवर किया था राइट right? जब मैं डाइक्टॉल गौथम की बात करता हूँ तो जो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है दैट e इसकी टाइम e e e right? तो जो टाइम कॉम्प्लेक्स है की, v square, right? अगर आपको याद हो तो उसके लिए मैंने दो कॉन्सेप्ट को हमने यूज किया था जिसके लिए रिफ्रेश रिलैक्स ऑपरेशन मैंने बताया था अपनी क्लासेस पे नो इट नॉट क्लोजर नहीं ये ट्रांसिटिव क्लोजर नहीं है ओके okay? चलो राइट right. तो जो मैंने आपको टेक्सटॉल के बारे में एग्जाम्पल बता था डेक्सटॉल गोथम सो दिस डेक्सटॉल गोर्थम इज अ पार्ट ऑफ सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पार्थ और जो उसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी दैट इज ई लॉग वी ई लॉग वी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी राइट right? तो यानी कि इसका मतलब क्या है कि अगर मेरे पास एक नोड है एक नोड है जैसे एक नोड है आपकी एस यानी कि इस नोड से जितनी भी सभी नोड है उन सबका शॉर्टेस्ट पाथ हम निकालना चाहते हैं इसलिए हमने सिंगल शॉर्ट पाथ हमने बताया था जैसे मैंने बोला कि दिस इज द एस एस आपके पास है एस से लेकर वाई तक वर्ड टू तो द शॉर्टेस्ट पाथ इवन एस से लेकर टी तक वट इज शॉर्टेस्ट पाथ एस से लेकर एक्स तक वट इज द शॉर्टेस्ट पाथ एस से लेकर जेड तक वट इज द शॉर्टेस्ट पाथ तो ये जो है हम शॉर्टेस्ट पाथ की बात करें यानी कि एक सोर्स सिर्फ एक सोर्स है वो सोर्स एस है और एस से जितनी सभी नोड हैं उन सब का शॉर्टेस्ट पाथ हमने यू you नो know, बता दें सबसे छोटा रास्ता क्या है यानी एस से लेकर एक्स तक एस से लेकर एक्स तक या फिर एस से लेकर z तक इन सब में जो छोटा पाथ है हम इसको निकालना चाहते हैं इसलिए हमने डाइक्सटो एल्गोरिथम को हमने कवर किया था राइट आई होप नो याद है आपको राइट जल्दी से चैट में मुझे बताओ कि क्या इतना आपने मेरे क्लास में आपने पढ़ा है प्लीज चैट इन द चैट पर रिप्लाई कीजिए बिकॉज आई वॉन्ट टू नो एटलीस्ट इतना आपने पहले से कवर किया है राइट यस यस राइट वेरी वेरी गुड गुड ठीक है फाइन तो जब मैं ऑल पेयर की बात मतलब क्या है मतलब मतलब ऑल पेयर का क्या है कि अगर आपके पास कोई भी नोड है इफ आई टेक एनी नोड जैसे मैं बोलता हूँ तो जितने भी सभी नोड है उन सबका छोटा पाथ क्या है स्मॉलेस्ट पाथ क्या है उसको हमने ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ की बात हमें यूज करते हैं राइट right? कहने का मतलब क्या है जैसे ये एक ग्राफ है राइट दिस इज द ग्राफ ठीक है अगर मैं आपसे पूछता हूँ व्हाट डू यू मीन बाय व्हाट डू यू मीन बाय सिंगल सोर्स अगर मैं बोलता हूँ सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ अगर मैं इसका मतलब है कि अगर मैं कोई भी एक नोड लेता हूँ जैसे मैं बोलता हूँ नोड इज वन वन इज ए नोड तो मैं जानना चाहता हूँ वन से लेकर इस टू तक शॉर्टेस्ट पाथ क्या है वन से लेकर फोर तक सबसे छोटा पाथ क्या है यू you नो know, से लेकर थ्री तक सबसे छोटा पाथ क्या है हम इसको जनरली यूज करते हैं राइट right? तो जैसे हम बोल सकते हैं कि वन से लेकर टू uh, तक द स्मॉलेस्ट पाथ है गेट इज थ्री करेक्ट इन द सेम वे वन से लेकर फोर तक या यू नो वन से लेकर फोर तक जो शॉर्टेस्ट पाथ विल बी भी फाइव वन से लेकर थ्री तक जो स्मॉलेस्ट पाथ जो हमें यहाँ से मिल सकता है दैट इज दिस वन राइट विच इज सेवन ठीक है लेकिन जब जब मैं आपको पूछता हूँ विच इज ऑल पेयर अगर मैं ऑल पेयर सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ की बात करता हूँ यानी कि जितने भी नोड है राइट जैसे मैं वन ले से लेकर सभी की तरफ या फिर टू से लेकर वन तक शॉर्टेस्ट पाथ कितना है टू से लेकर फोर तक शॉर्टेस्ट पाथ क्या है one, uh, two से लेकर थ्री तक शॉर्टेस्ट पाथ क्या है या फिर साथ साथ ही फोर से लेकर वन तक शॉर्टेस्ट पाथ क्या है फोर से लेकर थ्री तक शॉर्टेस्ट पाथ क्या है 4 से लेकर टू तक शॉर्टेस्ट पाथ क्या है मतलब सभी के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ हम लोग जनरली यूज करते हैं राइट right? अब जनरली अगर मैं सिंगल सोर्स एल्गोरिथम को यूज करता हूँ जो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है दैट इज ई लॉग वी राइट तो ई लॉग वी राइट अगर मैं बोलता हूं कि यहां पर टोटल एन वी लोड वी नोड्स अगर आपके पास है इफ यू हैव नोड्स तो उस केस में अगर मैं ऑल पे शॉर्टेस्ट पाथ करना चाहता हूँ तो क्या कर सकते हैं आई कैन अप्लाई ऑन डाइक्टल एल्गोरिथम द नोड वन उसके बाद आई कैन फाइंड वी कैन डू डाइस्ट एल्गोरिथम ऑन टू देन आई कैन फाइंड ऑन थ्री देन आई कैन फाइंड फॉर फोर तो इनके सबके केस में मुझे यूज कर सकते हैं But कहने मतलब है क्या है एम ट्राइंग टू कि ऑल पेयर का मतलब क्या है कि मैं क्या करूँगा जितने भी नोड्स हैं फॉर फॉर ऑल नोड्स फॉर ऑल नोड्स अप्लाई डाइक्स्ट्रॉइल गर्थन हम वहाँ पर डाइक्स्टल को जनली में यहाँ से यूज कर सकता हूँ जैसे वन के ऊपर डाइक्ट्रर्थन लगाओ फिर उसके बाद टू पर डाइक्टॉल गर्थन लगाओ फिर थ्री पर यू नो डायस्टल लगाओ तब हम ऑल पेयर को निकाल सकते हैं लेकिन अगर इस तरीके से करने की कोशिश करेंगे डाइक्ट्रॉ की तरफ से तो जो उसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्स निकलेगी दैट इज गोइंग टू बी यू नो वी इन टू ई लॉग वी जो उसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्स निकलेगी दैट इज ऑलमोस्ट V e log v, या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं विच इज वी यू नो वी क्यूब लॉग वी ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकलती है कितना वी क्यूब लॉग वी राइट लेकिन अगर मैं इससे निकालते क्या हम इसे इस बेहतर कर सकते हैं यू कैन से येस हम इसे बेहतर कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं अगर मैं यहाँ पर डायनमिक एल्गोरिथम को यूज करते हैं तो जो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है सो so, जिसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर निकलेगी दैट इज गोइंग टू बी वी क्यूब राइट पहले हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर हम डाइक् अलगोथम के यूज हम लोग करते हैं तो यहाँ से वी क्यूब लॉग वी आता है लेकिन हम डायनेमिक डायनमिक एल्गोर्थम हम यूज़ करते हैं डायनमिक एल्गोथम तो उस केस में इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी दैट इज़ वी क्यूब तो वी क्यूब होगी तो उसको समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में है क्या ठीक है जैसे मैं बताएं पूरा बेसिक से कवर करेंगे तो एग्जाम्पल्स मैं आपको प्रॉपर दूंगा और जब मैं

सबस्ट्रक्चर अब इस ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर को समझाने से पहले बताने से पहले मैं आपको एग्जांपल्स पहले लूँगा बिकॉज डायरेक्टली आई डोंट थिंक सो कि आपको ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर इतने इजीली आपको समझ आएगा लेकिन अगर मैं कुछ एग्जांपल लूँगा तो शायद ये ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर भी आपको इजीली समझ आए ओके तो अस स्टार्ट हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं ओके क्लियर सो लेट मी सी यू आर अवेलेबल दो सभी है क्या हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं कैन वी स्टार्ट आई थिंक यू अंडरस्टैंड वॉट इज द प्रॉब प्रॉब्लम आपको समझ आई प्रॉब्लम है क्या तो हम अपने क्लास को, को यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं सो इन दिस केस यू नो दिस आर ऑल द नोट राइट ये सभी नोट है नोट वन वी हैव टू वी हैव थ्री एंड दिस इज फोर तो सबसे पहले हम इसका मैट्रिक्स बनाएंगे राइट दिस इज रिप्रजेंटिंग द मैट्रिक्स ओके So the nodes are one, two, three, and four. So it is one, two, three, and four. Again, one, two, three, and four. Correct. These are presenting the nodes. Okay. And we do not have any loops. So I'm going to make it to zero. This is also zero. This is also zero. And this is also zero. Okay. Like this. Fine. बिटवीन वन टू टू इज देयर से लेकर टू के बीच में कोई एज है ये yes, और थ्री तक क्या कोई डायरेक्ट एज है ये कैन से नो वन से लेकर थ्री के बीच में कोई भी डायरेक्ट एज नहीं है सो दिस इज गोइंग टू बी इन्फिनिटी तो मैं यहाँ पर इंफिनिटी बनाऊंगा वन से लेकर फोर तक पाथ जो है कॉस्ट इज गोइंग टू बी फाइव तो हम सब यहां पर फाइव बनाएंगे ओके इन द सेम वे टू से लेकर वन तक सो दिस इज गोइंग टू बी टू टू से लेकर थ्री तक टू uh, से लेकर लेकर थ्री तक सो दिस इज गोइंग टू बी इंफिनिटी टू से लेकर फोर तक सो दिस इज गोइंग टू बी फोर ओके इन द सेम वे चेक फॉर थ्री थ्री से लेकर वन तक यू कैन सी डायरेक्ट एज नहीं है थ्री से लेकर टू तक so से लेकर फोर तक एज यहाँ पर नहीं है इन द सेम वे। से लेकर थ्री तक वी हैव एज। टू कैन सबसे पहले हम इस तरह के एक मैट्रिक्स को हमने बनाएंगे मैट्रिक्स राइट मैट्रिक्स राइट सो समझने से पहले एग्जाम्पल एग्जाम्पल पहले मैं दूंगा ताकि एग्जाम्पल से समझ आए स्टॉप मतलब स्टेप बाई स्टेप हम लोग पहुंचेंगे राइट right? और ये जो मैट्रिक्स हमारे पास रहेगा इसको हम रिप्रेजेंट करें करेंगे डी जीरो क्या रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ right? so, right? तो से डी जीरो राइट सो यू कैन सी दिस वन राइट तो डी जीरो मैं यहाँ से डी जीरो की तरह से मैं यहाँ से यूज कर सकता हूँ तो मैट्रिक्स कुछ इस तरीके से यहाँ से लिखेगा ओके okay? अब हम मैट्रिक्स जो बनाएंगे दिस इज गोइंग टू बी डी वन हम यहाँ से डी वन को यूज करेंगे अब ये डी वन का मतलब क्या है डू बीन बाई डी वन तो डी वन का मतलब क्या है कि क्या कोई पाथ एक्स ऐसे एग्जिस्ट करता है जहां से वन के थ्रू जाता है राइट ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वन ये वन को रिप्रेजेंट करता है और इसलिए हमने यहाँ पर डी वन से रिप्रेजेंट करता है कि इस एज की तरह हमको समझाते हैं मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ समझाने टेल यू विद हेल्प ऑफ एग्जाम्पल ध्यान दीजिएगा जब मैं डी वन को यूज़ करता हूँ तो डी वन का क्या है जितना आपके पास ये कंप्लीट रो है और जो फर्स्ट कॉलम है दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी सेम वो एग्जैक्टली सेम रहेगी उसके अंदर कोई भी चेंजेस यहाँ पर नहीं रहेंगे राइट वन टू थ्री एंड फोर अगेन वन टू थ्री एंड फोर राइट देखो जो क्लास है ना ये एडवांस क्लास है राइट बिकॉज आई डोंट थिंक सो कि काफ़ी सारे बच्चे पहली क्लास से तो शायद उनको नहीं समझ आए बट अगर आपको समझ में आता है तो दिस इज यू विल बी मस्ट आपको सब कुछ क्लियरली समझ आया दट इस वेरी वेरी गुड बट अगेन ये क्लास जनरली तभी ज़्यादा इंजॉय कर पाते हैं जिन्होंने अपने ग्रीडी एल्गोरिथम को कवर किया है डायनेमिक प्रोग्रामिंग को आपने कवर किया है और इस समय पर डायनेमिक एल्गोरिथम पे हम बोर्ड पहुँच रहे हैं राइट right? उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं काफ़ी सारे बच्चे हैं जो इसको समझ में नहीं आएगा ध्यान रखना कि पूरी क्लास को ना आप एक क्लास पूरी क्लास को पढ़ना राइट कोशिश करना मैं सब कुछ कोशिश करूंगा स्टार्टिंग से एंड तक सब कुछ कवर करने का लेकिन कहीं पर भी अगर आपको नहीं समझ आता है कोई प्रॉब्लम नहीं है मैं एक या दो एग्जांपल्स लूंगा तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाना चाहिए अगर नहीं भी हुआ तो क्लास को दो बार पढ़ना तो क्लियर समझ आएगा क्योंकि टॉपिक है ना दिस इज एडवांस क्लास तो एडवांस क्लास है तो उस जगह पर बच्चों को ये समझ में नहीं आता है जनरली तो ध्यान से पूरा फोकस से पेन पेपर के साथ ही इसको यूज करेंगे तभी आप इसको एंजॉय कर पाएंगे क्लास को ओके okay? ओके okay. तो सबसे पहले जब मैं डी वन को यूज किया राइट right, वन का मतलब है दिस इज द एज वन तो नोड वन राइट दिस इज द नोड वन को हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उस केस में जहां पर भी आपके जो दिस इज रो एंड दिस इज कॉलम इसकी वैल्यू हम सेम रहेंगे राइट दिस इज गोइंग टू बी जीरो दिस इज थ्री दिस इज इन्फिनिटी दिस इज फाइव दिस इज टू दिस इंफिनिटी एंड दिस इज इनफिनिटी ओके एंड अ पार्ट ऑफ दिस जहां पर भी आपके डायगनल्स हैं मैं इन सबकी वैल्यू को भी यहाँ पर जीरो रखूंगा दिस इज गोइंग टू बी जीरो दिस इज गोइंग टू बी जीरो एंड दिस ऑल्सो जीरो इस केस पे मैं यहाँ पर जीरो यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि वी आर नॉट हैविंग एनी नेगेटिव एजेस यहाँ पर नेगेटिव एजेस नहीं है आई एम यूजिंग ओनली पॉजिटिव एजेस एंड वी आर नॉल्सो नॉट हैविंग एनी साइकल्स आई मीन यहाँ पर लूप नहीं है राइट वी डू नॉट हैविंग अ लूप ओके सेल्फ रूप की मैं बात करता हूँ तो लेट्स चेक दिस वैल्यू राइट इसको समझने की कोशिश करते हैं ठीक है, इस का मतलब क्या है? Right? अगर हम थ्री से लेकर टू तक जाएंगे राइट right? ये टू है ये थ्री है क्या इसके बीच में कोई एज है तो एज नहीं है सो दिस इज गोइंग टू बी इन्फिनिटी लेकिन जब मैं डी वन को मिलता हूँ डी वन का मतलब क्या है कि क्या ऐसा कोई एज एग्जिस्ट करता है कि हम टू से लेकर हम वन पर जाएंगे और फिर वन से लेकर हम थ्री पर जाएंगे राइट right? क्या कोई एज इसके बीच में हो सकती है या नहीं सकती हम इसको निकालने की कोशिश करते हैं राइट यस यू कैन यूज इनफिनिट यू कैन रेट जीरो आप कुछ भी यूज कर सकते हैं मैं जनरली इसको जीरो से यूज करता ओके okay? फाइन <coughs> अब देखो फिर अगेन मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि जब मैं इस वैल्यू की बात करता हूँ इसकी वैल्यू कितनी है दिस इज इन्फिनिटी इसकी वैल्यू जो है वो इन्फिनिटी है राइट right? लेकिन जब मैं डी वन की बात करता हूँ डी वन के लिए हम डी जीरो की बात करेंगे राइट right? और कैसे निकलेंगे हम बोलेंगे क्या टू से लेकर वन के थ्रू जाने पे कोई पाथ एक् एग्जिस्ट करता है कि हम टू से वन पर जाओ और वन से थ्री थ्री पर जाओ क्या ऐसा कोई पाथ एग्जिस्ट करता है या नहीं करता समझने की कोशिश करो राइट right? अगर मैं यहाँ पर टू है तो टू से लेकर वन तक जाने की जो कॉस्ट है दैट इज टू राइट और क्या वन से लेकर थ्री तक जाने का कोई पाथ आप यहां से निकाल सकते हो यू कैन सी नहीं यहां पर कोई पाथ यहां से नहीं निकाल सकते सो दैट इज वाई दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी गिटी तो ये जो वैल्यू है वो यहां पर इन्फिनिटी ही यहां पर रहेगी ओके okay? फाइन फिर से समझना राइट फाइन लेटेट टेक सम मोर एग्जाम्पल कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे Yes, राइट डी वन मैट्रिक्स means द पाथ via node वन Absolutely राइट right, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं करेक्ट नोट लेटस चेक दिस वैल्यू राइट इस वैल्यू को हम समझने की कोशिश करते हैं ठीक है मैं इसको थोड़ा इसको रीज करता हूँ ताकि आपको स्पेस समझ में आए ठीक है Fine. So, let us check this one. इसका मतलब क्या है इसका मतलब है कि टू से लेकर फोर तक जाने की जो कॉस्ट है करंटली इट इज फोर बट क्या ऐसा कोई पाथ एग्जिस्ट करता है कि टू से लेकर हम वन पर जाए और फिर वन से लेकर फोर्थ तक जाने पर क्या कोई पाथ यहाँ पर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता चेक करो टू से लेकर वन पर जाएंगे द कॉस्ट इज गोइंग टू बी टू और वन से लेकर फोर तक जाने के लिए वी वी हैव अ पाथ यहाँ पर एक पाथ है द कॉस्ट इज गोइंग टू बी फाइव तो दोनों को आप ऐड करेंगे दिस इज गोइंग टू बी सेवन और इस सेवन और इस फोर में विच इज स्मॉलर वैल्यू वो फोर है तो यहाँ पर वो फोर ही रहेगा दिस इज गोइंग टू बी फोर करेक्ट फाइन लेट मीज दिस अगेन और आगे बढ़ते हैं ओके लेड्स टेक द नेक्स्ट वैल्यू राइट दिस वैल्यू इज वन तो वन है यहां पर दिस इज आई थिंक दिस इज स्मॉलेस्ट वन तो वन ही रहेगा तो आई डोंट थिंक सो इतना प्रॉब्लम यहाँ पर रहेगी बट लेट्स टेक दिस वैल्यू इस वैल्यू को समझने की कोशिश करते हैं इसका मतलब क्या है थ्री कोमा फोर राइट ये क्या है आपके पास थ्री ये क्या है आपके पास फोर तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम 3 से लेकर फोर तक जाने के लिए क्या कोई करता है या नहीं करता तो बी बट कैसा लेकर वन पर जाओ और फिर वन से लेकर फोर तक जाने की कॉस्ट कितनी है हम इसको यूज कर सकते हैं राइट right? जैसे कि अगर मैं थ्री टू वन की बात करता हूं दिस रिप्रेजेंटिंग थ्री राइट इज दिस पाथ बिटवीन थ्री टू वन क्या थ्री से लेकर वन तक कोई पाथ एग्जिस्ट करती है यू कैन सी नो कोई पाथ यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करती करेक्ट इन द सेम वे वन से लेकर फोर तक कोई पाथ एग्जिस्ट करती है ये राइट सो बिकॉज थ्री से लेकर फोर तक की जो पाथ है दैट इज इन्फिनिटी सो दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी इन्फिनिटी राइट ये भी इन्फिनिटी है ये भी इन्फिनिटी है दैट इज वाई दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी इन्फिनिटी वो यहाँ पर इंफिनिटी ही रहेगी ठीक है लेट मी टेक अनदर वैल्यू एक और वैल्यू को हम लोग लेते हैं राइट right? तो कुछ एग्जांपल्स लेंगे तो आपको और क्लियरिटी अभी समझ आएगी ओके सो टेक द नेक्स्ट वैल्यू राइट एक और वैल्यू को लेते हैं लेट अस सी दैट सो लेट अस टेक दिस वन इसको लेने की कोशिश करते हैं सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग दिस इज रिप्रेजेंटिंग फोर टू राइट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है दिस इज फोर दिस इज टू राइट यानी कि फोर से लेकर टू तक जाने के लिए ये फोर है और ये टू है क्या इसके लिए कोई पाथ एग्जिस्ट करता है सो यू कैन फाइंड दिस इज इन्फिनिटी वो इन्फिनिटी है बट बिकॉज हमने डी वन को बोला है इस मतलब है कि क्या ऐसा कोई पाथ एग्जस्ट करता है कि फोर से लेकर वन पर जाओ और उसके बाद वन से लेकर टू पर जाओ क्या इसके लिए कोई पाथ कॉस्ट यहाँ से हो सकती है चेक करो फोर से लेकर वन तक का कोई पाथ एग्जस्ट करता है यू कैन से इट इज़ यू नो ज़ीरो वो यहाँ पर ज़ीरो है वन से लेकर टू तक जाने की कॉस्ट है सो दिस इज गोइंग टू बी थ्री सो यू कैन से दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी इन्फिनिटी वो यहाँ पर इन्फिनिटी ही रहेगी बिकॉज फोर से लेकर वन तक कोई भी एच नहीं है सो दट इज वायफिनिटी वो यहाँ परिटी रहेगी वैल्यू आप इस वैल्यू को भी निकाल सकते हैं ठीक so uh, so, right? uh, है सो अगेन आई थिंक दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी टू वो टू ही रहेगी होंगे राइट चलो एनी वेज दिस इज गोइंग टू बी टू करना है डी टू हम यहां से डी टू को यूज करेंगे राइट वट डू बीन बाई डी टू डी टू का मतलब क्या है राइट लेट मी टेल यू फॉर एग्जाम्पल्स ठीक है सो अब हमें निकालना है डी टू अब ध्यान देना पहले हमने डी वन को यूज किया था डी जीरो डी जीरो को यूज किया था डी जीरो के लिए हमने डी वन को निकाला अब हम डी टू की बात करते हैं तो उसके लिए भी हमें एक और मैट्रिक्स हम लोग यहाँ से यूज करेंगे जिस प्रजेंटिंग वन टू थ्री एंड फोर अगेन वन टू थ्री एंड फोर ओके तो बिकॉज हम हमारे पास बिकॉज हम डी टू की बात करते हैं यानी कि जहां पर जो पूरी रो है जहां पर ये वाले टू है और ये वाले भी टू है इनकी वैल्यू जो है एग्जैक्टली सेम रहेगी राइट दिस इज गोइंग टू बी टू दिस इज जीरो दिस इज इंफिनिटी एंड दिस इज फोर यहाँ से थ्री जीरो अब ध्यान देना जब हम डी टू की बात करते हैं डी टू का मतलब क्या है कि अगर ऐसी कोई नोड एग्जिस्ट करती है by, 2, तो 2 के कोई यहाँ पर निकलता है या नहीं निकलता हम इसको निकालने की कोशिश करते हैं ओके सो फॉर एग्जाम्पल टेक दिस वन हम यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं तो इस वैल्यू को हम लोग यहाँ से यूज करते हैं सो so, दिस तो क्या वन से लेकर थ्री तक वन से लेकर थ्री तक क्या कोई पाथ एग्जिस्ट करता है करेंटली नो इनिटी लेकिन अगर मैं d2 की बात करता है इसका मतलब है है क्या कोई पाथ एग्जिस्ट करता है कि वन से लेकर टू तक जाए और फिर हम टू से लेकर थ्री तक जाए क्या इसका कोई कॉस्ट निकल सकते हैं चेक करो सबसे पहले चेक करते हैं इसको सबसे पहले वन और टू वन टू टू का पाथ कितना है दस इज गोइंग टू बी थ्री वो यहां पर थ्री होगा और 2 से लेकर 3 तक क्या कोई पाथ एग्जिस्ट करता है 2 से लेकर 3 तक कोई पाथ एग्जिस्ट करता है यू कैन से नहीं राइट दैट इज व्हाई दिस इज इन्फिनिटी तो उसकी वैल्यू जो है वो अभी भी यहां पर इन्फिनिटी ही रहेगी दिस इज गोइंग टू बी इन्फिनिटी ओके लेट्स टेक द नेक्स्ट वैल्यू एक और वैल्यू कम लेते हैं ठीक है लेट मी इरेज दिस वन सो दिस वैल्यू इज रिप्रेजेंटिंग यू नो फाइव यानी कि वन से लेकर फोर तक जो पाथ है जो करंटली इट इज फाइव राइट ठीक है बट क्या जब मैं डी टू की बात करता हूँ क्या ऐसा एग्जिस्ट करता है कि वन से लेकर हम टू पर जाओ और फिर टू से लेकर फाइव तक जाओ क्या इसके पीछे कोई कॉस्ट यहाँ पर निकल सकते हैं चेक करो राइट right? तो सबसे पहले वन से लेकर टू तक की जो कॉस्ट है दैट इज थ्री राइट प्लस टू से लेकर फाइव तक की क्या कोई कॉस्ट टू से लेकर फाइव तक सॉरी दिस इज रिप्रेजेंटिंग टू टू फोर सॉरी दिस इज टू तो क्या टू से लेकर फोर तक कोई पाथ एग्जिस्ट करता है यू कैन सी यस एग्जिस्ट करता है दिस इज गोइंग टू बीवन फोर सो टोटल इज गोइंग टू बी सेवन तो चेक करो क्या फाइव और सेवन और फाइव स्मॉलेस्ट वैल्यू कितनी है दैट इज गोइंग टू बी फाइव तो इसलिए यहाँ पर फाइव ही रहेगी इसके अंदर कोई भी चेंजेस यहाँ पर नहीं निकले ओके क्लियर okay? टेक नेक्स्ट वैल्यू एक और वैल्यू को हम लोग लेते हैं यहां से ओके okay. तो यह रिप्रेजेंट कर right. लेकर वन तक कोई पाथ एग्जिस्ट करता है no. लेकर वन तक कोई पाथ एग्जिस्ट नहीं करता तो बिकॉज हमने डी टू को रिप्रेजेंट कर दिया है तो डी टू का मतलब क्या है कि क्या ऐसा कोई पाथ एग्जिस्ट करता है कि थ्री से लेकर टू तक जाए और टू से लेकर वन तक तक जाए तो उसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू कितनी है क्या कोई पाथ एग्जिस्ट करता है चेक करो तो चेक कैसे करेंगे इसका सबसे तरीका पता क्या है इसके लिए हम इस d1 को ही यूज करते हैं यानी कि थ्री वन को थ्री टू को इसकी वैल्यू कितनी है दिस इज गोइंग टू बी वन तो वो यहाँ पर रहेंगी और टू वन जब इसकी वैल्यू को देखेंगे दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी टू तो वो यहाँ से टू हो गई सो दैट मीनस जो कॉस्ट हमारे पास निकलेगी दैट इज गोइंग टू बी थ्री तो थ्री हमारी कॉस्ट होगी चेक करो कहाँ से थ्री से लेकर टू तक की जो कॉस्ट है दैट इज गोइंग टू बी यू नो वन और फिर उसके बाद थ्री टू से लेकर वन तक की जो कॉस्ट है दैट इज टू यानी कि जो टोटल कॉस्ट इज गंग टू भी थ्री यानी कि इस जगह पर इसकी जारी निकलेगी दट इज थ्री राइट आई होप यू अंडरस्टैंड दिस इस जगह पर क्या चेंजेस आए राइट दिस इज गोइंग टू भी थ्री ठीक है देखो ध्यान दो जब भी मैं थ्री टू की बात करते हैं ना इसके लिए हम डी वन को यूज करेंगे राइट और यहाँ पर भी जो इसकी वैल्यू है वो भी हम डी वन को ही यूज करते हैं टेक टेक नेक्स्ट वैल्यू 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 एक और को को देखते हैं हैं समझने की कोशिश करते राइट लेट अस दिस वन इसको समझने की कोशिश करते हैं दिस वैल्यू ठीक है यानी कि थ्री से लेकर फोर तक कुछ जो को जो कॉस्ट है करंटली इट इज इंफिनिटी बट बिकॉज हम डी टू को यूज करते हैं यानी कि क्या ऐसा कोई पाथ एग्जिस्ट करता है कि हम थ्री से लेकर टू तक जाओ और फिर टू से लेकर फोर तक जाओ क्या इसके कॉस्ट है चेक करो कैसे करेंगे सबसे पहले हम थ्री टू पर जाओ दिस रिप्रेजेंटिंग राइट दिस वैल्यू प्रजेंटिंग थ्री टू और जो इसकी वैल्यू निकलेगी थ्री टू की दिस इज गोइंग टू बी वन तो वो यहाँ से व निकलेगी फिर टू से लेकर फोर तक की कोई कॉस्ट है यू कैन सी यस वो कितनी होगी आपके पास दैट इज फोर तो यहाँ पर फोर होगी दैट इज दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी फाइव तो वो यहाँ पर फाइव होगी तो कि पहले ऑलरेडी नोन इन्फिनिटी थी और जो सेकंड वैल्यू इज़ फाइव एंड यू कैन फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू इज फाइव तो फाइव ही रहेगी तो इस वजह से हम यहाँ पर फाइव को रखेंगे यानी कि ये जो वैल्यू है वो भी यहाँ पर अपडेट हो जाएगी क्लियर इज इट क्लियर चलो लेट मी लेट मी इरेज मोर थोड़ा सा क्लियर करके और कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको समझाता हूँ तो शायद आपको कुछ क्लैरिटी यहाँ पर निकलेगी ओके सो लेट अस सी दिस वैल्यू इस वैल्यू को समझने की कोशिश करते हैं ठीक है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है थ्री टू वन थ्री टू वन दिखा रहा है और जिसकी वैल्यू जो है दैट इज़ इन्फिनिटी राइट बट बिकॉज हमने डी टू को यूज़ किया है तो डी टू वन सब क्या है क्या क्या कोई पाथ एग्जिस्ट करता है कि हम फोर से लेकर टू पर जाओ प्लस टू से लेकर वन पर जाओ क्या इसके लिए की कॉस्ट यहाँ से निकाल सकते हैं यू कैन सी यस कैसे निकालेंगे राइट यानी कि फोर टू पर जाओ रहेगी इसके अंदर कोई भी चेंजेस यहां पर नहीं निकलेगी करेक्ट राइटर वैल्यू एक और वैल्यू को देखते हैं और देखते हैं क्या इसको कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते okay? सो लेट अस टेक दिस वैल्यू दिस वैल्यू वाज टू तो वो टू है एंड आई डोंट थिंक सो कि इसे कोई छोटी वैल्यूज होंगी आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी ओनली तो यहाँ पर टू रहेंगे दिस इज योर डी टू ये हमारे पास डी टू रहेगा उसी तरीके से इसके बाद हमें डी थ्री को निकालना है और फिर हमारे पास डी फोर को निकालना है राइट तो कितनी बार हमें करना है इतनी बार करना है जितनी आपके पास नोड्स हैं राइट वी हैव फोर नोड्स तो इसी वजह से हम डी फोर तक यहाँ से करते हैं तो आई होप कुछ क्लैरिटी आपको मिली है राइट लेट मी सी द चैट चलो so ओकेरिटी आपको यहाँ से मिली होगी डी थ्री हम डी थ्री को यूज करते हैं तो डी थ्री का

कंप्लीट रो एज एस दिस कॉलम इसकी वैल्यूज है जो वैल्यूज है वो सेम रहेगी दिस इज रो एंड दिस इज प्रजेंटिंग द कॉलम इनकी वैल्यूज यहाँ पर सेम रहेगी बाकी सभी वैल्यूज को हमें यूज करना है राइट फॉर एग्जाम्पल दिस इज द वैल्यू राइट हम इस वैल्यू को यूज करते हैं राइट वो क्या प्रजेंट करें दिस इज प्रजेंटिंग वन टू टू राइट वन से लेकर टू तक जो हमारी कॉस्ट है नोन इज थ्री बट क्या ऐसा कोई पाथ एग्जिस्ट करता है कि हम वन से लेकर थ्री पर जाओ और फिर थ्री से लेकर टू पर जाओ क्या स्क्री की पार्थ एक्जिस्ट करता है चेक करो क्या हम वन से लेकर थ्री पर जाएंगे दिस इज वोइंग टू बी यू नो इन्फिटी एंड दिस इज दैट इज वाइक दिसंग टू इन्फिनिटी इसके अंदर वैल्यू हमारे पास निकलेगी दैट इज वोइंग टू बी थ्री वो थ्री ही यहाँ पर रहेगी करेक्ट फाइन टेक द नेक्स्ट वैल्यू एक और वैल्यू को हम दो देते हैं ओके एक सौ स्पेस ताकि थोड़ी कोई मिस्टेक ना रहे ओके चलो लेट्स मूव ठीक है सो लेट्स को क्या कोई पाथ एग्जिस्ट करता है कि आप वन से लेकर 3 पर जाओ प्लस 3 से लेकर 4 तक जाओ क्या इसकी कॉस्ट हम निकाल सकते हैं चेक करो कैसे दिस इज वन एंड दिस इज थ्री दिस इज गोइंग टू बी इंफिनिटी से आपके पास जो गाड़ी निकलेगी दट इज फाइव ही निकलेगी यहाँ पर भी आई डोंगेन चेक एक बार चेक कर लेते हैं ठीक है नेक्स्ट वैल्यू दिस दिस वैल्यू राइट ये क्या पसंद कर रहे हैं टू फोर क्या टू से फोर तक कोई पाथ एग्जिस्ट करता है राइट सो करंटली इट इज फोर बट अगर मैं वाया थ्री जाऊंगा मतलब क्या है कि क्या कोई पाथ है कि थ्री से टू से लेकर थ्री पर जाओ प्लस थ्री से लेकर फोर तक जाओ क्या कोई कॉस्ट यहाँ पर रहेगी तो चेक करो यू you नो know, टू से लेकर थ्री तक जाओ दिस इज गोइंग टू बी इन्फिटी ऑब्वियसली मिनिमम वैल्यू इज गोइंग टू बी फोर तो यहाँ पर फोर ही रहेगी इसके अंदर कोई भी चेंजेस यहाँ पर नहीं निकलेगी करेक्ट नाउ लेट अस टेक दिस वैल्यू इस वैल्यू को देते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं ओके okay? सो दिस वैल्यू हियर इट इज सेइंग फोर टू वन तो फोर से लेकर वन तक का जो करंटली नोन इज फोर इन्फिनिटी बट कैसा हो पाथ एग्जिस्ट करता है कि आप फोर से लेकर थ्री तक जाओ प्लस थ्री से लेकर वन तक जाओ क्या इसके कॉस्ट निकल सकते हैं चेक करो फोर uh, से लेकर थ्री तक जाओ दिस वैल्यू इज टू वो यहाँ पर टू है और थ्री से लेकर वन तक जाओ दिस इज गोइंग टू बी थ्री यानी कि जो मिनिमम कॉस्ट हमारे पास निकलेगी दैट इज फाइव तो वो यहाँ से फाइव रहेगा पहले इन्फिनिटी थी अब क्या होगी यहाँ पर फाइव ओके okay. वैल्यू right, एक और वैल्यू को हम ले देखते हैं और वैल्यू वैल्यू को समझने की कोशिश करते हैं ओके सो इट फोर से टू की है बट अगर डी थ्री को प्रेजेंट करता हूँ यानी कि हम फोर से लेकर थ्री तक जाओ प्लस थ्री से लेकर टू तक जाओ राइट right? इसकी कॉस्ट को समझते हैं फोर से लेकर तो वो यहाँ पर टू रहेगी प्लस थ्री से लेकर टू तक तो जाएंगे दिस गोइंग टू बी वन सो दैट इज व्हाई द कॉस्ट इज गोइंग टू बी थ्री ओनली तो ये वैल्यू यहाँ पर थ्री निकलेगी राइट यानी कि ये वैल्यू और ये वैल्यू ये, ये, ये यहाँ से निकल चुकी है एंड फाइनली इसकी वजह से राइट अब इसकी वजह से फाइनली हम यहाँ से यू you नो know, अब फाइनली इसके बाद हम फोर की वैल्यू को हम यहाँ से यूज कर सकते हैं अगर कुछ मिस्टेक है बिकॉज ऑबीसी थोड़ा सा आ, लेंदी है अगर आपको कोई मिस्टेक रहेगी तो मुझे करेक्ट कर सकते हैं ओके सो दिस वन टू थ्री एंड फोर अगेन वन टू थ्री एंड फोर राइट तो यानी कि दिस कंप्लीट रो दिसाइव थ्री टू एंड जीरो एज एज वेल एज दिस वन राइट दिस टू बी फाइव फोर फाइव और जीरो ये वैल्यूज़ यहाँ पर निकलेंगे ओके एंड दिस डाइगोनल्स आर आल्सो जीरो दिस आल्सो जीरो दिस आल्सो जीरो एंड दिस इज आल्सो जीरो ओके लाइक दिस ओके सो दिस वैल्यू हियर इज मतलब वन से लेकर टू राइट वन से लेकर

ओके सो लेट्स टेक दिस वन राइट वो क्या प्रेजेंट करा है टू से लेकर थ्री सो टू से लेकर थ्री तक जाने की इट इज इंफिनिटी बट अगर मैं डी फोर प्रेजेंट करता हूँ क्या कोई ऐसा पाथ एग्जिस्ट करता है कि टू से लेकर फोर तक जाओ और फोर से लेकर थ्री तक जाओ क्या आपकी कॉस्ट हम निकाल सकते हैं यस yes, निकाल सकते हैं राइट बिकॉज टू फोर जो है दिस वैल्यू इज फाइव वो यहाँ पर आई मीन फोर है दिस इज प्रेजेंटिंग फोर राइट right. इसकी वजह से इट इज फोर ओके okay? और फोर थ्री फोर और थ्री इसकी जो वैल्यू है दिस इज रिप्रेजेंटिंग टू तो यहाँ से टू होगा दैट इज वाई दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी सिक्स तो वो यहाँ पर फाइनली सिक्स होगा ओके फाइनली अस टेक दिस वैल्यूज एक और वैल्यूज को हम लेते हैं और इसके वैल्यू को समझने की कोशिश करते हैं ठीक है

थ्री तक मिनिमम कॉस्ट कितनी है फोर से लेकर जीरो तक आई मीन फोर तक मिनिमम कॉस्ट कितनी है तो वो यहाँ से निकल सकता है ओके okay? इसको देखने के लिए यू कैन डू इज आप इस मैट्रिक्स को भी यहां से यूज कर सकते हैं दिस इज फ्रॉम द बुक ये बुक है फ्रॉम कैरमन कॉर्मेन तो ये कॉर्मेन बुक से है दिस इज फ्रॉम द कॉरमेन ओके तो फाइनली मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ कि जो इसका ऑप्टीमल सबस्ट्रक्चर है वो कैसे रिप्रेजेंट करता है कैसे काम करता है हम इसको समझने की कोशिश करेंगे और उसके साथ साथ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस टेक दिस एग्जांपल एज एस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और इन दोनों एग्जाम्पल को हम लोग कवर करेंगे ओके okay? तो सबसे पहले मैं ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर को समझाने की मैं आपको पूरी कोशिश करता हूँ राइट मीन बाइल इज इट क्लियर इतना क्लियर है डू हैव एनी डाउट क्या आपको इसमें कोई भी डाउट है अब तक डू यू हैदर डाउट सो फार

कि सभी केस में डिस्टेंस कितनी है माइनस फोर इंफिनिटी जीरो हम सबको यहां से निकालने की कोशिश करें राइट अब ध्यान देना जो पिछला एग्जाम्पल बताया था पर नेगेटिव मैंने नहीं लिया था लेकिन यहाँ पर हम नेगेटिव भी हो सकती है ओके अब हम डी की बात करते हैं डी तो ध्यान देना जब भी मैं रिप्रेजेंट करता हूं तो मैं इसको आई कैन प्रेजेंट समथिंग लाइक दिस डी ऑफ के आई जे मैं इसको यहां से रिप्रेजेंट कर रहा हूं ठीक है जैसे दिस इज रिप्रेजेंटिंग डी के तो मतलब क्या है कि के जो वैल्यूज है सबसे पहले हमने D0 को किया right? इस तरीके से फिर हमने डी वन को रिप्रेजेंट किया डी टू को रिप्रेजेंट किया डी थ्री को रिप्रेजेंट किया डी फोर को रिप्रेजेंट किया डी फाइव को रिप्रेजेंट किया राइट right? तो यानी कि सबसे पहला काम हमने क्या किया फर्स्ट थिंग सबसे पहले क्या किया हमने डी के वैल्यू को हमने यूज किया है राइट जीरो फोर फाइव यानी कि हम वी कैन से केन वैल्यू जीरो और इट कैन बी वन और इट कैन बी टू और इट कैन बी थ्री और वी कैन बी फाइव राइट सबसे पहले हमने इसको बनाया है बिकॉज आपके पास टोटल फाइव नोड्स हैं तो फाइव नोड्स हैं तो यानी कि आपको फाइव फाइव प्लस वन मैट्रिक्स आपको यहाँ से बनाना है ओके सेकेंड अब हमने आई कॉम जे को हमने यूज़ किया है राइट right? जैसे फॉर एग्जाम्पल फॉर ऑल ऑफ टाइम आई कैन से आई आई जो है वो रो को रिप्रेजेंट करता है और जे जो है वो यहाँ पर मैट्रिक्स को आई मीन नोड को रिप्रेजेंट करता कॉलम को राइट आई इज रिप्रेजेंटिंग रो एंड जे इज़ रिप्रेजेंटिंग योर कॉलम तो वो यहाँ पर कॉलम की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है कि किसी की भी वैल्यू में जैसे मैंने बोला क्या मैं बोलता हूँ कि डी टू

ठीक है जैसे मैंने बोला कि दिस इज प्रजेंटिंग थ्री एंड फोर यानी कि इसकी जो कॉस्ट है करंटली इट इज़ फाइव वो यहाँ पर फाइव है लेकिन अब हमें करना क्या है फाइंड द मिनिमम बिटवीन डी ऑफ आई जे ऑफ के माइनस वन कमा डी ऑफ आई जे राइट दिस इज प्रजेंटिंग के माइनस वन प्लस डी ऑफ के जे दिस इज के माइनस वन ओके राइट ये वाला कॉस्ट कौन सा है दिस इज द फर्स्ट केस पहली वैल्यू क्या है कि बिकॉज मैंने बताया कि अगर मेरे पास d2 है तो d2 को निकालने के लिए हमें d1 को यूज़ करना पड़ेगा राइट या फिर अगर मुझे d4 को निकालना है तो उसके लिए हमें d3 को हमने यूज़ करना होगा राइट यानी कि जो भी मैट्रिक्स आपके पास है तो उससे पहली मैट्रिक्स पर आप जाएंगे ठीक है तो ये अगर के को रिप्रेजेंट कर रहा है तो हमने के जे माइनस को रिप्रेजेंट किया तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है ये रिप्रेजेंट करता है कि इसकी करंट वैल्यू कितनी है दिस वैल्यू इज़ फाइव वो फॉर एग्जाम्पल वो फाइव है और ये जो वैल्यू है वो ये क्या रिप्रेजेंट करता है इसका मतलब है कि क्या कोई पाथ एग्जिस्ट करता है कि हम आई से लेकर के तक जाओ ठीक है और फिर के से लेकर यू नो जे तक जाओ इसकी कॉस्ट कितनी हम इसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं उसके लिए हम इस रिलेशन को हम बना सकते हैं ओके लेट मी राइट मोर क्लियरिटी मैं थोड़ा क्लैरिटी से आपको समझाता हूँ ताकि आपको और क्लियरली समझ आए ठीक है तो यू you नो know, हमें करना क्या है सबसे पहले हमने इस पूरे ग्राफ के लिए हमने इस मैट्रिक्स को बनाया ठीक है कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं इसे प्रजेंटिंग डी ऑफ के ऑफ आई जे ठीक है तो सबसे पहला काम क्या है डब्ल्यू आई जे तो हमने इसका वेट वे, वे, वेस्ट को हमने यहाँ पर डाला है वेस्ट वेट, वेट राइट हमने वेट जो है हमने इसको रिप्रेजेंट किया है जैसे वन से लेकर वन तक इट इज ज़ीरो

राइट right, तो ये जो रिप्रेजेंट करा यानी कि जितने भी नोड्स हैं उन सभी के लिए हमने डब्लू आई जे की वैल्यू को हमने यूज किया है राइट right? अदरवाइज हम लोग क्या करेंगे वट इज मिनिमम बिटवीन डी ऑफ आई जे के माइनस वन के माइनस वन कॉमा जी ऑफ आई टू के दिस इज के माइनस वन प्लस डी ऑफ जे टू के जे आई मीन आई के एंड के जे क्या रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट केस दिस इज इफ के इज इक्वल टू जीरो राइट कहने मतलब है सबसे पहले हमने के जीरो को हमने रिप्रेजेंट किया राइट डी जीरो को हमने सबसे पहले बनाया तो ये हमने डी जीरो को रिप्रेजेंट करता है और ये बाकी सभी वैल्यूज है जैसे हमने डी वन को निकालना है या फिर डी टू को रिप्रेजेंट करना है या फिर डी थ्री को रिप्रेजेंट करना है या फिर डी फोर को रिप्रेजेंट करना है उस केस में हम इस वैल्यू को यूज करेंगे और जहां पर जो वैल्यू निकलेगी दिस इज के माइनस वन यानी कि पहली वैल्यू अगर डी वन थी तो ये वाली जो वैल्यू दिस इज डी जीरो।, जीरो की जरूरत पड़ेगी या फिर डी टू है उसके जगह पर हमने डी वन की जरूरत होगी या फिर डी थ्री है इसके लिए हमें डी टू की हमें जरूरत होगी ठीक है क्लियर अब एक और एग्जाम्पल से मैं आपको ऐसे समझाता हूँ राइट

कि जो कंप्लीट रो है और कॉलम जो है उसकी वैल्यू जो है वो सेम रहेगी इसके अंदर अब तक कोई भी चेंजेस नहीं रहेगी मैं यहाँ पर कोई भी चेंजेस यहाँ पर नहीं लूंगा ओके वट काइंड ऑफ क्वेश्चन कैन बी एक्सपेक्ट फ्रॉम एल्गोरिथम्स बेटा आपको सबसे पहले कुछ क्वेश्चन आप चेक कर राइट यू कैन विभिन्न क्लासेस में उसके प्रीव क्वेश्चन को कवर करूंगा तो शायद उससे आपको समझ में आएगा ओके तो आज आई हैव अ स्पेशल क्लास एट सिक्स थर्टी तो उसमें आप इसको यूज कर सकते हैं ओके okay? चलो तो अभी इसको कंटिन्यू करते हैं ठीक है चलो अब इफ आई टेक दीज वैल्यूज राइट तो यहां पर लेटमी टेक एंड दिस वैल्यू जहां से राइट टेक दिस वैल्यू हम इस वैल्यू को समझने की कोशिश करते हैं दिस वैल्यू राइट इसका रिप्रेजेंट कर uh, you know, right? जो जो कर, करता है यानी कि जो वैल्यू है दिस इज इंफिनिटी राइट सो बिकॉज जो हमारा ये सबस्ट्रक्चर जो हमने बनाया है दिस ऑप्टीमल सबस्ट्रक्चर ठीक है ये ओरिजिन वैल्यू है अब हमने इस वैल्यू को हमें यूज करना है यानी कि इस वाले को यूज किया है राइट ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है दिस फ्रॉम से हमने यूज किया है इन द सेम वे अब बिकॉज डी वन को रिप्रेजेंट किया है इसका मतलब है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कि हम सबसे पहले डी ऑफ फोर वन को रिप्रेजेंट करेंगे प्लस डी ऑफ वन फाइव की वैल्यू को हम यूज करेंगे राइट यानी कि फोर से लेकर वन तक राइट फोर से लेकर वन तक जो कॉस्ट है दैट इज टू वो यहां पर टू है प्लस और साथ साथ में डी ऑफ वन फाइव वन एंड फाइव दिस वैल्यू हीयर इज माइनस फोर तो जो इसकी वैल्यू निकलेगी दट इजी माइनस टू और पहले से जान फर्स्ट नोन पहले से जो है वैल्यू जो थी दैट वॉज इन्फिनिटी और दिस इज माइनस टू यू कैन सी माइनस टू इज द स्मॉलर वैल्यू तो हम यहाँ से माइनस टू को हम लोग यूज़ करेंगे ठीक है इन द सेम वे राइट इन द सेम वे यू कैन टेक डी टू हम यहाँ से हम डी टू को भी यूज करेंगे ठीक है तो सबसे पहले हमने क्या किया सबसे पहले हमने d1 को निकाला उसके बाद हमने d2 को निकाला ठीक है तो मैं कुछ वैल्यूज़ को कुछ आंसर पूछूंगा इस प्रजेंटिंग डी जीरो दिस इज d1 दिस इज d2 दिस इज d3 दिस इज d4 एंड दिस इज d5 फाइव तो लड़स चेक दिस टू हम इन दोनों को समझाने की कोशिश करते हैं ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है दिस इज रिप्रेजेंटिंग d4 और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है d d5 ओके okay? तो यानी कि इसको यूज़ करने के लिए हमने d4 की हमें जरूरत चाहिए होगी ठीक है इफ़ आई टेक एनी ऑफ दिस वैल्यूज कुछ वैल्यूज़ को हम निकालते हैं ठीक है तो तो जैसे कि टेक दिस वैल्यू राइट इस वैल्यू को हम समझते हैं ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है दिस इज रिप्रेजेंटिंग दिस वन राइट वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है डी ऑफ फोर दिस इज वन टू वन टू को रिप्रेजेंट करता है यानी कि ये आपका रो, रो है दिस इज प्रजेंटिंग कॉलम और दिस इज डी फोर ठीक है तो जो इसकी वैल्यू रह दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी थ्री वो थ्री है लेकिन क्या हम इसे बेहतर कर सकते हैं यानी कि D5 में कुछ बेटर कर सकते हैं यानी कि ऐसा के पाथ एग्जिस्ट करता है कि हम वन से लेकर फाइव पर जाए प्लस हम फाइव से लेकर टू पर जाए क्या इसकी कॉस्ट को मिनिमाइज किया जा सकता है कैसे करेंगे D ऑफ वन फोर पर जाओ तो प्रजेंटिंग माइनस फोर इसकी वैल्यू है प्लस फाइव थ्री मी फाइव टू फाइव टू पर जाए फाइव और टू दिस इज़ गोइंग टू बी फाइव तो यहाँ पर फाइव होगी जब दोनों को ऐड करेंगे यानी कि माइनस फोर प्लस फाइव दोनों जब आप ऐड करेंगे दिस इज गोइंग टू बी वन तो इसकी वैल्यू जो है यहाँ से वन आएगी तो इस तरह का कॉन्सेप्ट हम यहाँ से यूज़ करते हैं तो इसका जो ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर है आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा राइट तो कैसे करना है सबसे पहले अगर के की वैल्यू ज़ीरो है यानी कि डी जीरो डी ज़ीरो मतलब है उन सबका मैट्रिक्स का जो वेट है हम यहाँ पर बनाएंगे ठीक है दिस इज डी डी वन को हम लोग क्या निकालेंगे अगर यहाँ पर है अदरवाइज जब हम डे वन पर जाएंगे डी वन तो डी वन के लिए हमें डी जीरो निकालने यानी कि ये क्या कर रहा है दिस इज़ के राइट वो यहाँ से के को प्रेजेंट कर रहा है और के माइनस वन यानि कि जीरो हमारे पास आ जाएगा ठीक है क्योंकि तो प्रीवियस वैल्यू ये है और अगर वी, वी गो अगर हम लास्ट वैल्यूज यानी कि आई टू के तक जाओ और साथ में के टू जे तक हम जाएंगे तो उसकी जो कॉस्ट है हम उसको ऐड करेंगे और चेक करेंगे दोनों से मिनी वैल्यू कितनी है और हम उसको निकाल सकते हैं राइट अ वेरी वेरी इजी कॉन्सेप्ट काफी इजी कॉन्सेप्ट है आई डोंट थिंक सो कि आपको इसमें कुछ भी डाउट रहेगा अगर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में आप डिस्कस करते हैं लेट अस सी द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फ्राइड एल्गोरिथम तो सबसे पहले दिस इज रिप्रेजेंटिंग द वेट मैट्रिक्स दिस इज रिप्रेजेंटिंग द वेट मैट्रिक्स दिस इज रिप्रेजेंटिंग आर डब्ल्यू डॉट रॉ रो राइट तो हमने एन को right? रिप्रेजेंट so, किया है फिर हमने डी जीरो बनाया है यानी किस को हमने बनाया है हमें मैट्रिक्स को बनाया है तो अगर आपके पास टोटल अगर आपके पास टोटल एन नोट्स हैं तो डी जीरो को बनाने के लिए जो हमें टाइम कॉम्प्लेक्स निकलेगी राइट right. तो अगर मैं डी यू नो दिस इज एन को दिस इज डी जीरो तो डी जीरो की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपके पास निकलेगी दिस इज गोइंग टू बी यू नो दिस इज गोइंग टू बी यू नो दिस इज स्पेस जो यहाँ पर निकलेगी दैट इज एन स्क्वायर दिस इज एन स्क्वायर हमें स्पेस की हमें जरूरत होगी बिकॉज टोटल एन नोड्स हैं तो हमें स्पेस की हमें जरूरत होगी फॉर दिस मैट्रिक्स दिस इज गोइंग टू बी एन स्क्वायर ओके okay. फिर उसके बाद ये जो फॉर लूप है ये फॉर लूप जो है फॉर एवरी नोड तो हर एक नोड को हमने रिप्रेजेंट किया टोटल एन टाइम्स ये एन टाइम्स ये चल रहा है ओके okay. और फिर जो मैट्रिक्स हमारे पास है जो न्यू मैट्रिक्स हम लोग बना रहे हैं और साथ साथ में ये जो है दिस इज अ अंस्टेंट ये आपके पास कांस्टेंट है ये जो स्टेटमेंट है ये टोटल एन टाइम्स चलेगा ये भी एन टाइम्स ओके ये वाला जो है ये भी टोटल एन टाइम्स चलेगा ठीक है राइट right. तो यानी कि इनके बेसिस पर ये जो हम लोग वैल्यू निकाल रहे हैं इनकी जो प्रीवियस वैल्यू है और साथ साथ में वी गो थ्रू दिस वैल्यू राइट right? ये भी यहाँ पर कॉन्स्टेंट है राइट right? तो यानी कि इनके थ्रू अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के वैल्यू को निकालेंगे यानी कि अगर आप इसको यूज़ करेंगे कि ये टोटल आपके पास एन टाइम्स होगा इसकी वजह से टोटल एन स्क्वायर बन जाएगा और इसकी वजह से टोटल एन क्यूब निकलेगा यानी कि जो टोटल जो तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपके पास निकलेगी टोटल यू नो टोटल जो आपके पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो इस एल्गोरिथम में हमें लगेगा दैट इज़ बिग ऑफ एन क्यूब एन क्यूब इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकलेगी राइट क्यों बिकॉज ऑफ दिस एंड दिस एंड दिस इन तीनों की मल्टीप्लीकेशन होगी और मल्टीप्लीकेशन की वजह से एन क्यूब इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ से निकलेगी और अगर मैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करता हूँ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो जो इसकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्स निकलेगी दैट इज बिग ऑफ एन स्क्वायर एन स्क्वायर किसकी वजह से बिकॉज ऑफ दिस इस मैट्रिक्स को बनाने की वजह से हमें जो टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकले की तरह स्पीड ऑफ एन स्क्वायर एन स्क्वायर विल बी एन स्क्वायर विल बी टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्स ओके सो आई होप कि क्लास में ये टॉपिक आपको समझ आया होगा अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप डाउट मुझसे पूछ सकते हैं ओके यस डू हैव एनी डाउट कौशिक चलो सो आई होप द कॉन्सेप्ट जो है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो कॉन्सेप्ट जो है वो आपको समझ में आया होगा ओके एंड फॉर ऑल ऑफ यू अगेन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अन अकेडमी के जो बैचेज जो हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं तो uh, जो नेक्स्ट बैच जो हमारे पास आ रहा है दैट इज़ ट्वेंटी ऑफ अप्रैल ट्वेंटी अप्रैल से न्यू बैच हमारे पास स्टार्ट कर रहे हैं विच इज़ फ्रॉम कंपाइलर डिजाइन दैट इज फॉर गेट टू तो लेने के लिए जस्ट यूज कूपन कोड कौशिक टेन मेरा कूपन कोड को आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं करेक्ट और यू कैन यूज़ दिस कूपन कोड कूपन कोड को भी आप यहाँ से देख सकते हैं ओके okay? uh, अगर आप वन ईयर का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको टू मंथ्स आपको एक्स्ट्रा मिल सकता है अगर आपको टू इयर्स का लेंगे तो उसमें थ्री मंथ्स आपको एक्स्ट्रा मिल सकता है बट तभी आपको लेंगे जब मेरा जो कूपन कोड है कौशिक टेन को आप यहाँ से यूज़ करेंगे तभी आपको ये मिल सकता है राइट यानी कि अगर आप टू ईयर का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो मेरा कूपन कोड कौशिक टेन आप लगाएंगे तो फाइव आपकी सेविंग रहेगी और अगर आप यहाँ से वन uh, ईयर का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो वहाँ से आपको थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड से ज़्यादा आपकी सेविंग यहाँ से रहेगी ओके सो आई होप यू लाइक द सेशन एंड थैंक यू सो मच टेक केयर एंड मीट राइट इन द इवनिंग इवनिंग में हमारा एक और सेशन है एट टेन पी एम ओके थैंक यू सो मच थैंक यू कौशिक